छोटी सी बात, कितना अच्छा होगा ना कि आप जब भी नेक्स्ट फादर्स डे आए या मदर्स डे आए तो आपके पास एक जॉब हो और आप अपने मॉम डैड को कुछ गिफ्ट कर पाओ। ठीक है, इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आप उनके चेहरे पर एक स्माइल ला पाओ। इवन मैं तो ये बोलती हूँ कि माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, बस वो एक एक्सपेक्टेशन उनकी बस ये रहती है कि हाँ हमारा जो भी बेटा या बेटी है वो क्या करे, कुछ अचीव कर ले लाइफ में, उसके पास जॉब हो, वेल सेटल्ड हो, ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। उसके पीछे बहुत सारी डांट भी पड़ती हैं, कभी कभी गलतियाँ करते हैं, बट फिर भी सबसे ज़्यादा जो हमारे अच्छा सोचता है हमारी भलाई के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन जो मिलती है वो हमारे मॉम डैड से मिलती है। आप चाहे जितनी वीडियोस देख लो, सक्सेस स्टोरीज देख लो, या फिर आप कहते हैं ना कि आप जितना भी वीडियो से मोटिवेशन ले लो, बट रियल मोटिवेशन अगर आप सही में देखोगे तो वो है आपकी फैमिली, आपके मॉम एंड डैड। ठीक है, कोशिश करो कि जब आप सोचोगे ना कि आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आप उनके लिए क्या कर सकते हो, इवन उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन आपको एक अंदर से अलग ही खुशी मिलती है। ठीक, तो सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे टू ऑल पेरेंट्स जितने भी हैं, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। हर एक बच्चे की लाइफ में जो फादर का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेरी लाइफ में भी मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो बात में वही आती है कि यार करना है, ठीक है, नहीं वो प्लस होते हो। देखो लाइफ में ना करने के भी 100 बहाने हैं और करने के भी 100 बहाने हैं। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है, तो गाइस हर चीज़ का एक रास्ता है। ठीक, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप कर सकते हो, रास्ते बनते चले जाते हैं जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो और करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि लाइक आप पढ़ नहीं पा रहे, तो यूट्यूब पर इतना मटेरियल है कि आप उससे भी जॉब ले सकते हो। ओके, फीस नहीं पे कर पा रहे तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, आप उसके थ्रू फीस पे कर सकते हो, जैसे गाइडली ने भी चला रखा है। ठीक है, और यूट्यूब पर आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की क्लासेस हैं, तो तरीके बहुत सारे हैं। इवन मैं ऐसे बैंकिंग की बात नहीं कर रही, एसएससी, रेलवे, आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हो, बस डिटर्मिनेशन आपकी ज़्यादा यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक, कभी कभी पढ़ते पढ़ते होपलेस सा फील होने लगता है कि यार मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर प्री नहीं निकल रहा, मेंस नहीं निकल रहा, तो देखो आती हैं ऐसी चीज़ें लाइफ में, बट कहाँ पर आपकी कमी रह रही है ना, हिम्मत नहीं हारनी, बस ये देखो कि कहाँ कमी रह रही है, बस उसको सुधारना है। धीरे धीरे अपने जो कमियाँ हैं उनको एक जगह लिखिए और उन पर वर्क करिए, क्योंकि वही सबसे मेन पार्ट होता है आपके स्ट्रगल, आपकी मेहनत का, कि अपनी कमियों को सुधारना। जो हमें आता है वो तो एक तरह से गॉड गिफ्टेड हो गया, या हमारी प्रैक्टिस पहले से है तो वो तो हम अच्छा करेंगे ही करेंगे, बट जहाँ पर हम लैक कर रहे हैं तो वहाँ पर फ़ायदा हमारा ये है कि हमको अपनी कमियों को डे बाय डे टारगेट बनाकर करना है। अब जैसे आज संडे है, तो कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई टारगेट संडे का बना हुआ है कि यहाँ एम ही चल रहा है, ठीक ठाक है, तो अपने आप को थोड़ा सा अलग बनाइए। अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो अलग बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम अलग हो जाओ, बस आपका डेली रूटीन जो है वो एक सेट होना चाहिए। एक अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हो तो अभी से ऑफिसर वाली फीलिंग या ऑफिसर वाला टाइम टेबल रखो ना अपना, कि हाँ हमें ये सारी चीज़ें करनी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको तब भी आएंगी। क्यों पीओ का पेपर टफ होता है, क्योंकि वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लर्क से ज़्यादा होती हैं। ओके, अब मैं आपसे अगर एक बात बोलूँ यहाँ पर कि तैयारी, तो तैयारी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। YouTube प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं। प्रैक्टिस मटेरियल के लिए आप गाइडली से अच्छा आपको क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं गाइस, और प्लस प्रॉपर आपके पास डे वाइज शेड्यूल है। और आज आपका फादर्स डे है तो एक ऑफ़र भी रखा गया है, तो 899 में पूरा आपका PDF बंडल है। और आप अब जो भी परचेज करोगे गाइडली से, आप यूज़ करोगे गाइडर कोड फॉर एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट, तो GUIDER। मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट में पिन कर दूंगी, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो फादर्स डे ऑफ़र है, आप चाहो इसे खरीद सकते हो। बाकी कोड आपको मैंने बता दिया है। अब आप SBI लाइफ नहीं यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे GUIDER गाइडर। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है गाइस क्या, कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक कभी कभी क्या होता है कि 2 to 3 years बीत जाते हैं, तब हम क्या करें अपनी प्रिपरेशन के दौरान, लगता है क्या लीव कर देना चाहिए। तो गाइस आप एक बात बता दूं आपको कि देखो 3 साल भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और आप अगर डेडिकेशन के साथ करो तो वो चीज़ आप 1 year में भी यहाँ पर ले सकते हो। ठीक, मोटिवेशन क्या होगी आपकी, कि अगर आप 3 साल में सिलेक्शन ले रहे हो तो आपने क्या किया, 2 साल की सैलरी मिस कर दी। ठीक है, तो कोशिश करो कि 1 साल में इतनी मेहनत कर दो। और गाइस देखो पॉसिबल है सब कुछ, बस स्ट्रेटेजी हमारी सही होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी के लिए
ज़रूरी ये नहीं है कि आप 35 out of 35 वाली वीडियोस देखो, ठीक है। आजकल का क्या ट्रेंड चला है स्टूडेंट्स का कि वो 35 out of 35 वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिलते हैं कि पढ़ना कैसे। तो देखो सही है, स्ट्रेटेजी जान लो, किसी भी टॉपर का आप देख रहे हो, इसमें गलती नहीं है। बट अगर आप बार बार इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ा कैसे जाए, और आप इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती है। ओके, तो कोशिश आपको ये करनी, अपनी कमियाँ हमें ही पता होती हैं, ना कि दूसरे को। स्ट्रेटेजी हमारी खुद की होनी चाहिए। बस ये है कि हाँ, पढ़ना क्या क्या है, ट्रैक क्या यूज़ करना है, वो आप किसी का यूज़ कर सकते हो, बट आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी कमियाँ, ये सब आपको खुद से अपनी जज करनी है और करना है। और इन सब के बीच सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है 35 out of 35 स्कोर करना, नहीं, मॉक टेस्ट देना और अपनी कमियों को देखना। क्योंकि पेपर किसी ने डिज़ाइन नहीं किया हुआ है पहले से कि एज इट इज़ वही आ जाएगा। पेपर आपका वैरी करता रहता है, मॉडरेट भी आता है, ठीक है। तो बस आपको वहाँ अपना बेस्ट देना है कि आपको क्या चूज़ करना है या क्या छोड़ना है, या फिर ईजी है तो सारे कैसे अटैम्प्ट करने हैं। फिर वहाँ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। प्री में आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, मेंस में आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। और प्री और मेंस की अलग अलग प्रिपरेशन कभी मत करिए। हम लोग भी आपको प्री मेंस साथ में करवा रहे हैं, तो इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप वन गो में अपना सिलेक्शन ले लो। ये नहीं कि आप अभी प्री कर रहे हो और देन नेक्स्ट ईयर आप मेंस में लगोगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते रहो, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका मेंस से टच बना रहेगा। और गाइज, प्री और मेंस में बहुत अंतर होता है डिफिकल्टी लेवल में। मैं ये नहीं कह रही कि सिलेबस अलग होता है, बट डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। जब तक आप उससे अवेयर नहीं होगे, आप उन क्वेश्चंस को लगाओगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। और सबमिट करके टेस्ट देने वाली आदत छोड़ दीजिए। बट प्रेशर तो एग्जाम का आप टाइमर के साथ ही झेलते हो ना, तो उसी टाइम में आप सेलेक्ट कर पाओगे। सबमिट करके तो आप आराम से बैठ के करो, सुबह से शाम तक पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जिसमें दिक्कत आएगी आप सॉल्यूशन देख लोगे, बट टाइमर के साथ आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है, तो वो तो आपको प्रॉपर जब आप पूरा टाइम देखकर मेंस का टेस्ट दोगे तभी पता लगेगा ना। मैं ये नहीं कह रही आप डेली दो, अगर आप मेंस में अटैक कर रहे हो देन आप मेंस के टेस्ट ज़्यादा दो, लेकिन अगर आप प्री मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हो तो वीक में वन टेस्ट तो आपको देना बनता है, ठीक है। और प्रॉपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। और बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, और अपना मोटिवेशन आपको पता ही है क्या है, कि अगला जो भी आपका फादर्स डे या मदर्स डे आएगा तो उसमें आपको अपने मॉम डैड को अच्छा सा गिफ्ट देना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।